साथ नीलकमल सिहाग और आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज बुलेटिन। पहले रुख करते हैं हेडलाइंस की ओर। राहुल गांधी का सरकार पर तंज, कहा एक नौकरी हजार बेरोजगार, क्या कर दिया देश का हाल। प्रेमी के घर मिली 3 दिन से लापता पूर्व प्रधान, कहा पति से तलाक होने तक लिव इन रिलेशन में रहूंगी। माउंट आबू में जमकर बरस रहे मेघा, नकी लेक हुई ओवरफ्लो। अब खबरें विस्तार से। देश भर में बढ़ रही बेरोजगारी का हवाला देकर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि एक नौकरी हजार बेरोजगार, क्या कर दिया देश का हाल। उन्होंने एक न्यूज आर्टिकल को भी शेयर किया है। इसमें बताया गया है कि सरकारी पोर्टल पर एक हफ्ते से 7 लाख लोगों ने नौकरी के लिए आवेदन किया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी इससे पहले भी देश में अर्थव्यवस्था की स्थिति और बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साध चुके हैं। हाल ही में उन्होंने आरोप लगाया था कि छवि सुधारने में सरकारी पैसे का उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने ट्वीट किया था कि आर्थिक गिरावट, बेरोजगारी, चीनी आक्रामकता है, सरकार करदाताओं का पैसा छवि सुधारने पर लगी है। कांग्रेस ने यह भी कहा था कि सरकार को अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार और रोजगार सृजन के लिए अपनी योजना के बारे में देश को बताना चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को सरकार से राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट और संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई को लेकर छात्रों की चिंताओं पर विचार करने और स्वीकार्य समाधान निकालने का आग्रह किया था। कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए छात्रों और अभिभावकों ने प्रवेश परीक्षा स्थगित करने की मांग की है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, भारत सरकार को नीट जेईई परीक्षा के बारे में छात्रों के मन की बात को सुनना चाहिए और स्वीकार्य समाधान पर पहुंचना चाहिए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की कीमती वर्ष बर्बाद होने के हवाला देते हुए सोमवार को जेईई मेन और नीट स्नातक परीक्षा स्थगित करने का अनुरोध करने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। इसका आयोजन सितंबर माह से निर्धारित है। जेईई मुख्य 1 सितंबर से 6 सितंबर के बीच आयोजित किया जाना है, जबकि जेईई एडवांस 27 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। वहीं नीट का आयोजन 13 सितंबर को होगा। उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में 1000 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, लेकिन योगी सरकार का कहना है कि सैलाब की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है, कहीं भी चिंताजनक हालात नहीं है। यूपी के राहत आयुक्त संजय गोयल के मुताबिक अयोध्या, आजमगढ़ और फरुखाबाद समेत 16 जिले बाढ़ की चपेट में हैं, जबकि शारदा नदी और सरयू नदी समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। यूपी के राहत आयुक्त संजय गोयल ने रविवार को बताया कि इस समय प्रदेश के 16 जिलों अम्बेडकर नगर, अयोध्या, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बाराबंकी, बस्ती, देवरिया, फारुखाबाद, गोंडा, गोरखपुर, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, मऊ, संत कबीर नगर और सीतापुर के 190 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी नदियों के तटबंध सुरक्षित हैं, बाढ़ के हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और कहीं भी किसी प्रकार का चिंताजनक परिस्थिति नहीं है। प्रदेश के राहत आयुक्त गोयल ने बताया कि शारदा नदी पलिया कला लखीमपुर खीरी में, राप्ती नदी श्रावस्ती में, सरयू नदी एल्गिन ब्रिज बाराबंकी, अयोध्या तथा तुर्तीपार बलिया में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। साथ ही बताया कि बाढ़ की आपदा से निपटने के लिए प्रदेश में 370 शरणालय तथा 784 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं, जबकि बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीम 15 टीमें तथा एसडीआरएफ और पीएससी की 7 टीमें भी तैनात की गई हैं। वहीं प्रभावित क्षेत्रों में 133 नौकाओं का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। गोयल ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित जनपदों के जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदूषित जल जनित तथा मक्खी मच्छर जनित रोगों की रोकथाम के लिए जरूरी कार्रवाई की जाए।
इसी बीच जालौन से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक माता टीला राजघाट बांध से पानी छोड़े जाने के कारण जिले की सीमा में बेतवा नदी का जल स्तर बढ़ना शुरू हो गया है। एक दिन में जल स्तर 5 मीटर बढ़ने से जिला प्रशासन सतर्क हो गया है और सभी बाढ़ चौकियों को सक्रिय रहने के निर्देश दिए हैं। दूसरी ओर यमुना का जल स्तर कालपी में भी बढ़ना शुरू हो गया है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में समदड़ी कस्बे की प्रधान रही पिंकी चौधरी के लापता होने के 3 दिन बाद अब इस मामले से पर्दा उठ गया है। रविवार को पूर्व प्रधान पिंकी अपने प्रेमी अशोक कुमार के साथ गोलिया चौधरीयान गांव में उसके घर पर मिली। वहां पिंकी ने पुलिस को दिए बयानों में साफ कहा कि वह अपने पति से तलाक होने तक अपने प्रेमी के साथ लिव इन रिलेशन में रहेगी। समदड़ी थानाधिकारी मीठाराम चौहान ने बताया कि 3 दिन पहले समदड़ी की पूर्व प्रधान के पिता बेलाराम ने बेटी पिंकी चौधरी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। इस बीच रविवार को सूचना मिली कि पिंकी गोलिया चौधरीयान निवासी अशोक कुमार के साथ उसके घर पर है। जब पुलिस ने वहां पहुंचकर पिंकी से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि वह अपनी मर्जी से घर से निकली थी और अब अशोक के साथ वह लिव इन में रहना चाहती हैं। साथ ही एसपी कार्यालय में भेजे गए ईमेल के बारे में उनका कहना था कि वह ईमेल उन्होंने खुद ही भेजे हैं। उसमें जो आरोप लगाए गए थे उस मामले में वह अपने पति और ससुर पर किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं चाहती है और अपने बच्चों के साथ अशोक के साथ लिव इन में रहेंगी। इस पर पुलिस ने उनके बयान दर्ज कर वहां से वापस चली आई। पिछले 3 दिन से पूर्व प्रधान पिंकी को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। इन सभी बातों से अब पर्दा उठ चुका है। मीडिया से मुखातिब होते हुए प्रधान पिंकी चौधरी ने कई खुलासे किए हैं। उनका कहना था कि वह जहां हैं वहां सुरक्षित हैं। पिंकी ने बताया कि उनके पिता के ऊपर ससुराल पक्ष की ओर से दबाव बनाकर उनके गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया गया था। इसके बाद मीडिया में यह बात सामने आई कि वह लापता हो गई हैं। पिंकी ने बताया कि उनके ससुराल पक्ष के लोग उन्हें समाज से बहिष्कृत करने की धमकी भी दे रहे हैं। अब ससुराल पक्ष को जो भी बताना है वो कोर्ट में ही बताऊंगी। अब खबर बारां जिले से। बारां के छिपाबड़ौद कस्बे के पसार मोहल्ला निवासी युवक ने स्वास्थ्य विभाग पर कोरोना जांच को लेकर आरोप लगाया है, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। वहीं चिकित्सा विभाग की कथनी और करनी में अंतर नजर आने लगा है। युवक ने आरोप लगाते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा बिना जांच किए ही उसे कोरोना पॉजिटिव घोषित कर दिया है। पॉजिटिव आए युवक का कहना है कि 19 तारीख बुधवार को मेरे गले में खराश होने के चलते छिपाबड़ौद स्थित राजकीय चिकित्सालय गया था, जहां मुझे कोविड-19 के टेस्ट के लिए बोला गया था। वहीं फॉर्म भरने ऐसी सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद भी मेरा सैंपल नहीं लिया गया। इसके बाद चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों द्वारा मेरी उम्र 17 वर्ष देकर अपने पिता के साथ आने को बोला और मुझे टेस्ट के लिए फ़ोन कर बुलाने के लिए कहा गया, जिसके बाद युवक के पास कोई फ़ोन नहीं आया। लेकिन 22 अगस्त शाम को आई कोरोना की जांच रिपोर्ट में युवक को दूसरे नंबर पर सैंपल आईडी C183800 से कोरोना पॉजिटिव बता दिया गया। वहीं युवक के बड़े पापा का कहना है कि हमारे बेटे का किसी प्रकार का कोई सैंपल नहीं लिया गया था। बिना सैंपल के रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर हमारे परिवार में हड़कंप मच गया, जिसके बाद मैं मामले की जानकारी लेने चिकित्सा अधिकारी के पास पहुंचा तो जहां पर मुझे चैम्बर से बाहर निकाल दिया और मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया। साथ ही पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने की धमकी तक दे डाली और पुलिस प्रशासन का दबाव बनाकर जबरदस्ती आज दोबारा सैंपल लिया गया। इधर चिकित्सा अधिकारी हेमंत नागर ने कहा कि युवक का सैंपल लिया गया था जो जांच में कोरोना पॉजिटिव आया है। कोरोना सेंटर जाने के डर से युवक बहानेबाजी कर रहा है, पूर्व में सैंपल देने की बात को नकार रहा है, जिसे लेकर आज फिर दोबारा सैंपल लिया गया है। गया
हाँ, एक कमल नाम का लड़का था, उसकी सैम्पलिंग हुई थी यहाँ पे, लेकिन वो मना कर रहा है बार बार। वो बार बार इसलिए मना कर रहा है, कोरोना सेंटर नहीं जाना चाहता, वो पहले भी विवाद कर चुका। और आज भी उसकी सैम्पलिंग हुई है? हाँ, आज वो इस बात को डिस्प्यूट कर रहा है कि मेरी नहीं हुई, तो आज फिर दोबारा उसका सैंपल लिया है। क्या मामला था? मैं भगवत किशोर नामदेव प्रधानाचार्य, मेरे छोटे भाई का बालक को 19 तारीख को हॉस्पिटल में बीमारी के कारण गया हुआ था। अचानक इससे कहा गया कि तुम्हें COVID-19 का वो जांच हुई, फार्म भर लिया गया। फार्म भरने के बाद इससे कहा कि आप घर जाओ, जब जरूरत होगी आपको बुलवा लेंगे। लेकिन अचानक 22 तारीख को कल जब छिवड़ों की कोई न्यूज आई साथ की, उसमें इसका नाम आया, जबकि इसका किसी प्रकार का कोई सैंपल नहीं लिया गया था। इस बात को सुनते ही हमारे परिवार में हड़कंप मच गया। और जब मैंने इससे पूछा कि क्या तेरा सैंपल लिया था, तो इसने कहा मेरा कोई सैंपल नहीं लिया गया था। इसके बाद मुझे मजबूरी में चेक करने के लिए, बात करने के लिए मैं डॉक्टर साहब हेमंत जी नागर के पास गया। उन्होंने छह से चैम्बर में गया, मुझे आप शब्द कह के बाहर निकल जाओ। मैंने कहा भाई आपने इन पुलिस वालों को क्यों भेजा मेरे पास? कहने आप बाहर निकल जाओ। पुलिस वालों से कहा कि इनकी FIR दर्ज कर लो। फिर मैंने पूरी हॉस्पिटल में आने के बाद पुलिस वालों के सामने जानकारी प्राप्त करी। जानकारी प्राप्त करने के बाद किसी ने यह नहीं बताया मुझे कि इसका सैंपल लिया गया था। बाद में लास्ट में जबरदस्ती पुलिस वालों से कह के कि इनको दोबारा सैंपल ले लिया जाए। फिर इसके बाद इसका अभी आज पहली बार इसका सैंपल लिया गया। और सैंपल लेने के बाद मुझसे कहा गया कि आप जाओ। हमें आशंका है इस बार, क्योंकि पूर्व में इसको बिना सैंपल लिए जब इसकी जांच रिपोर्ट आ गई, तो हमें आशंका है कि जिस तरह से धांधली पहले हुई है, दोबारा भी धांधली हो सकती है। और इसकी जो सैंपल जो लिया गया है आज का, उसको यह दुर्भावना के तहत कोविड पॉजिटिव बता के हमें परिवार को पैनिक में रखा जा सकता है, हमें परेशान किया जा सकता है। कृपया इसकी निष्पक्ष रूप से जांच की जाए, ताकि जो गलतियां हॉस्पिटल ने करी उसके आरोप हमारे ऊपर किसी प्रकार से नहीं आए। धन्यवाद। अब खबर बीकानेर जिले से। देश अपनी आजादी की 74वीं वर्षगांठ अभी हाल ही में बड़ी धूमधाम से मनाई है, लेकिन आज भी देश के सुदूर इलाके में रहने वाले मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीवन यापन कर रहे हैं। रेगिस्तान में आज भी कई गांव पानी की एक एक बूंद के लिए लंबी दूरी तय करने को मजबूर है। देखिए कोलायत से संवाददाता राहुल सेवक की एक खास रिपोर्ट। कोलायत के रानासर, सिंधु का, पाबूसर सहित नजदीकी ढाणियों में कई सालों से पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। ग्रामीणों ने कई बार जलदाय विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाने के बावजूद भी समस्या का हल नहीं हो रहा है। ग्रामीण पृथ्वी सिंह रानासर ने बताया कि गांव में जलहोद पानी की टंकी तो बनी हुई है, परंतु उसमें कनेक्शन पिछले 20 सालों से भी अधिक समय से नहीं हुआ है। इसलिए ग्रामीणों को पानी की एक एक बूंद के लिए लंबी दूरी तय करने को मजबूर हो रहे हैं। ग्रामीणों ने राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री और विधायक भंवर सिंह भाटी को समस्या से अवगत करवाते हुए समस्या के समाधान की मांग की है। हमारे कोलाई क्षेत्र के लाखासर, पाबूसर, सिंधुखा ऐसे तीन गांव है जिनमें पीछे कई समय से पीने वाला पानी नहीं आ रहा है। इसके लिए हम PHD विभाग को कई बार अवगत करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी इस पे PHD विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। पीने वाले पानी के लिए दूर दराज से पानी वाला टैंकर मंगवाना पड़ता है। किसी के पास अगर टंकी है तो वो अपनी टंकी से लेके आता है, मुंह मांगे वो पैसे लेते हैं टैंकर वाले। तो इस समस्या का समाधान हमारा रिक्वेस्ट है मंत्री भंवर सिंह जी भाटी साहब से कि इस समस्या का समाधान करें। हमारे कोलायत के विधायक हैं, लोगों को पीने वाले पानी की निजात मिले, समस्या का समाधान हो, जल्द से जल्द इस पे थोड़ा ध्यान दें। अब खबर प्रतापगढ़ जिले से। धरियामाद नगर में करमोचनी सुकली
उफान पर है। लगातार धरियाबाद क्षेत्र के आसपास वन क्षेत्र में अच्छी बारिश के चलते दोपहर पश्चात करमोचनी नदी की पुलिया से 7 फीट ऊपर पानी पूरी वेग के साथ बह रहा था। लगातार ऊपरी क्षेत्र में बरसात के चलते करमोचनी नदी नगर के बीचों बीच होने के चलते पानी नशिया मंदिर तक पहुंच गया है। पानी का जल स्तर बढ़ने से व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान भी बंद कर लिए हैं। वहीं पानी अधिक आने से दुकानों में 3 फीट तक जल भराव हो गया है। धरियावाद के सुकली जाखम करमोचनी नदी को देखने भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए। वहीं त्रिवेणी संगम महू महादेव समीप वजपुरा मार्ग पर पुलिया ऊपर पानी जाने से रास्ता बंद पड़ा। धरियावाद के तीनों नदियों में पानी होने के चलते कई घंटों तक आवागमन बंद रहा। पुलिस प्रशासन वहां मौके पर दिखाई दिए। जाखम बांध में भी पानी की अच्छी आवक हुई है। करमोचनी नदी में पानी कम होने के साथ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पुल को पार करते दिखाई दिए। अब खबर सिरोही जिले से। पर्वतीय पर्यटक स्थल माउंट आबू में बीते कुछ दिनों में लगातार झमाझम बारिश का दौर जारी है। निरंतर हो रही बारिश की वजह से माउंट आबू के जल स्रोतों में पानी की अच्छी खासी आवक हुई है। आपको बता दें कि नक्की लेक भी ओवरफ्लो हो चुका है, साथ ही अपर और लोअर कोदरा बांध में भी पानी की अच्छी आवक हुई है। उल्लेखनीय है कि बारिश में झरनों का लुफ्त उठाने के लिए पर्यटक भी पहुंच रहे हैं। इन दिनों माउंट के झरने पूरे वेग के साथ बह रहे हैं। गौरतलब है कि माउंट में चहुं ओर हो रही बारिश की वजह से सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। अधिकांश जलाशयों में पानी की अच्छी आवक के चलते माउंट वासियों में हर्ष की लहर भी देखी जा रही है। इन दिनों माउंट में घूमने आ रहे पर्यटक झरनों का जमकर आनंद ले रहे हैं, परंतु इसी बीच बेहद आवश्यक हो जाता है कि सुरक्षा के लिहाज से एहतियात बरतना भी आवश्यक है। अक्सर कई बार हादसे भी घटित हो जाते हैं। माउंट आबू धुंध से युक्त मौसम भी स्थानीय रहवासियों के लिए कठिनाई भरा साबित हो रहा है। वातावरण में नमी रहने से कई समस्याओं से भी वाहन चालकों व स्थानीय लोगों को जूझना पड़ रहा है। अब खबर जोधपुर जिले से। ओसिया के किसानों की विभिन्न मांगों के समर्थन में ओसिया क्षेत्र के प्रमुख कस्बों सहित गांव के बाजार व कृषि मंडियां पूर्णतः बंद रही। ओसिया क्षेत्र के 100 से अधिक जीएसएस व बिजली घरों के आगे किसानों ने एक साथ बिजली बिलों की होली जलाई। प्रदेश में कांग्रेस सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ ओसिया भाजपा की ओर से स्वैच्छिक लॉकडाउन कार्यक्रम का आज रविवार को ग्रामीण क्षेत्र में व्यापक असर देखने को मिला। क्षेत्र के प्रमुख कस्बों तिवरी, मथानिया, ओसिया सहित दर्जन गांवों की दुकानें व बाजार किसानों की मांगों के समर्थन में शांतिपूर्वक पूर्णतः बंद रही। ओसिया क्षेत्र के प्रत्येक गाँव में किसान आंदोलन का आगाज देखने को मिला। 100 से अधिक जीएसएस व बिजली घरों के आगे स्थानीय किसानों ने गत 6 माह के बिजली बिलों की होली जलाकर राज्य सरकार के खिलाफ होली नारेबाजी कर आक्रोश प्रकट किया। कई स्थानों पर ग्रामीणों ने टायर व पुतले जलाकर भी प्रदर्शन किया। ओशिया क्षेत्र के करीब 200 से अधिक गांवों को संपर्क सड़कों पर स्थानीय किसानों ने ट्रैक्टरों व वाहनों को सड़क के किनारे पर खड़ा करके सांकेतिक रूप से किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ रोष व्यक्त किया है। किसान आंदोलन के दौरान कहीं भी आवागमन को बाधित नहीं किया गया। कस्बों में बाजार बंद के दौरान आवश्यक सेवाओं को बहाल रखा गया। पूर्व विधायक भैराराम सियोल ने कहा कि संपूर्ण ओसिया की जनता ने किसानों के साथ वादा खिलाफी के चलते राज्य सरकार के खिलाफ स्वर मुखर कर नाराजगी जाहिर की है। सियोल का कहना है कि राज्य सरकार की हठ धर्मिता व उदासीन रवैये के कारण इस मुश्किल दौर से खेत खलिहान छोड़कर किसान को सड़कों पर आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधि व प्रशासन ने किसानों की आवाज को दबाने के लिए हर संभव प्रयास किए गए, फिर भी स्वैच्छिक लॉकडाउन ने सफल कार्यक्रम ने किसान आंदोलन कुचलने वाले को सांकेतिक रूप से करारा जवाब दिया है। किसानों के आंदोलन ने यह साबित कर दिया कि ओसिया से उठी आंदोलन की चिंगारी का धुआं जयपुर तक जाएगा। राज्य की कांग्रेस सरकार का किसानों के प्रति बेरुखी आगामी समय में वर्तमान राज्य की सरकार पर भी भारी असर पड़ेगा। स्वैच्छिक लॉकडाउन कार्यक्रम के दौरान पूर्व संसदीय सचिव व पूर्व विधायक भैराराम सियोल, पूर्व मंत्री शुभ सिंह खेतासर व देहात भाजपा जिलाध्यक्ष जगराम बिश्नोई सहित भाजपा मंडल अध्यक्ष व भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के लगातार संपर्क में रह रहे, फीडबैक लेते रहे।
पूर्व विधायक सियोल स्वैच्छिक लॉकडाउन के दौरान गांव की सड़कों पर आंदोलनरत किसानों के बीच पहुंचकर कई ज्ञापन लिए। आंदोलनरत स्थानीय भाजपा नेताओं व किसानों की सूझबूझ व सजगता से स्थानीय प्रशासन व पुलिस के साथ समन्वय देखने को मिला। ये मांग कर रहे हैं कि हमारे 6 महीने के कोरोना काल के हमारे एग्रीकल्चर बिल और घरेलू बिल, 6 महीने के हमारे बिजली के बिल माफ होने चाहिए। 833 रुपए की पूर्ववर्ती सरकार की जो सब्सिडी है वो दोबारा स्टार्ट होनी चाहिए। स्थायी शुल्क जो बिना किसी नियम के तहत प्रत्येक घरेलू उपभोक्ता के ऊपर डाला गया है, जिसका एक एक बोल जी उपभोक्ता के ऊपर 1,50,000 रुपए का डिस्काउंट ने इस प्रकार के झूठे बिल निकाले कोरोना काल में। कल आज तक हम लोग ये सुनते आए कि कर्नाटक, महाराष्ट्र और आपके उड़ीसा में वहाँ का किसान आत्महत्या कर रहा। ओसियां विधानसभा क्षेत्र जो मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, उसमें ओसियां विधानसभा क्षेत्र में 3 किसानों ने आत्महत्या कर लिया। मेरी सरकार से ये नम्र निवेदन है कि इस कोरोना काल के अंदर हमारे 6 महीनों के बिजली के बिल, एग्रीकल्चर घरेलू माफ करे, 833 की वापस सब्सिडी शुरू करे, स्थायी शुल्क की लूट बंद करे और किसानों के ऊपर ये विजिलेंस बंद करे और सरकार इन किसानों के लिए कोई स्पेशल पैकेज की घोषणा करे, जिससे हमारा किसान अपनी ई लीला समाप्त नहीं कर सके। अपनी आत्महत्या जैसा इतना कठोर जो कदम है वो हमारा किसान ये तो से कभी जीवन में नहीं उठाए। ऐसा सरकार से हमें उम्मीद है और आशा है कि सरकार हमारी मांगे ये मानेगी। जोधपुर जिले के मंडोर से प्रदेश भर के निजी स्कूलों के अधिकारों व हितों के लिए संघर्षरत स्कूल शिक्षा परिवार राजस्थान के स्थापना के 6 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में वह स्कूल शिक्षा परिवार जोधपुर ग्रामीण संगठन द्वारा संगठन की कार्यकारिणी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मंडोर ब्लॉक के निजी स्कूलों के संचालकों की मीटिंग ग्राम पंचायत कैरू के श्रीराम स्कूल प्रांगण में रखकर नवीन कार्यकारिणी की सर्वसहमति से गठन किया गया। वहीं कोरोना काल में निजी स्कूल संचालकों की समस्या व उसके समाधान हेतु विचार विमर्श करके सरकार तक निजी स्कूल संचालकों व शिक्षकों की बात पहुंचाने की योजना पर विस्तृत चर्चा हुई। स्कूल शिक्षा परिवार जोधपुर ग्रामीण जिला अध्यक्ष विक्रम सिंह इंदा ने बताया कि संगठन के प्रदेशाध्यक्ष अनिल शर्मा के निर्देशानुसार संगठन के कार्यक्षेत्र को बढ़ावा देते हुए ग्राम पंचायत कैरू के श्रीराम स्कूल में मंडोर ब्लॉक की नवीन कार्यकारिणी गठित की गई, जिसमें ललित कुमार शर्मा को मंडोर ब्लॉक अध्यक्ष चुना गया। मीटिंग में स्कूल शिक्षा परिवार के प्रदेश उपाध्यक्ष जोगेंद्र गौड़, जोधपुर संभाग प्रभारी धीरज दीक्षित, जोधपुर ग्रामीण अध्यक्ष विक्रम सिंह इंदा, जोधपुर शहर अध्यक्ष धर्मेंद्र कछवाहा, जिला प्रभारी अब्दुल वाहिद, ब्लॉक अध्यक्ष सेखाला शेर सिंह राठौर सहित मंडोर ब्लॉक की निजी स्कूलों के संचालक उपस्थित रहे। इस दौरान स्कूल शिक्षा परिवार के प्रदेश उपाध्यक्ष जोगेंद्र गौड़ ने कोरोना काल में निजी स्कूल संचालकों की समस्या व सरकार से उनकी मांग पर डीपीके न्यूज जोधपुर संभाग प्रभारी प्रेम पूनिया के साथ अपने विचार साझा किए। अब खबर सिरोही जिले से। सिरोही के आबू रोड में नव निर्वाचित राज्यसभा सांसद नीरज डांगी के राज्यसभा सांसद बनने के बाद पहली बार आबू रोड आगमन पर आबू रोड नगर कांग्रेस अध्यक्ष अमित जोशी ने उनका माला व साफा पहनाकर उनका गर्म जोशी से स्वागत किया। राज्यसभा सांसद नीरज डांगी ने कहा कि रेवदर आबू रोड विधानसभा क्षेत्र की हर एक जनता मेरे दिल में बसी हुई है। मुझे इस विधानसभा क्षेत्र से खूब प्यार मिला है। इस क्षेत्र के लोगों के लिए मैं सदैव तैयार रहूंगा। इस अवसर पर विधायक संयम लोढ़ा, पूर्व विधायक लाल राम गरासिया, कांग्रेस जिला अध्यक्ष जीवा राम आर्य, पूर्व प्रधान ललित साखला, युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष भवनीश बारोट, जिला महासचिव नवीन सांखला, कांग्रेस किसान प्रकोष्ठ ब्लॉक अध्यक्ष अमित बैरवा आदि कांग्रेस के सभी बड़े नेता मौजूद रहे। स्टेट न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीपीके न्यूज। नमस्कार।